कुछ कश्तियां बहती धारा की दिशा में अपना साहिल तलाश करती हैं, तो कुछ लहरों से लड़कर अपना किनारा पाने में सफल हो जाती हैं। संघर्ष और कठिन रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल को पाने वाले लोग औरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। कठिन संघर्ष और सफलता की ऐसी ही मिसाल बन चुके इन्हीं नामों में से एक नाम दमदार और हर दिल अजीज सदाबहार अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी का भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुराग सूर्यवंशी। स्वागत है आपका नारा टीवी के आज के इस एपिसोड में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी के जीवन से जुड़े कुछ खास रोचक किस्सों के बारे में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। दोस्तों, हिमानी शिवपुरी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय गढ़वाली परिवार में 24 अक्टूबर वर्ष 1960 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिता का नाम श्री हरिदत्त भट्ट शैलेश है, जो कि एक हिंदी शिक्षक व लेखक थे, और माँ श्रीमती सैल भट्ट एक गृहिणी थी। हिमानी जी के एक भाई भी हैं जिनका नाम है हिमांशु भट्ट। हिमानी शिवपुरी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के ही दून स्कूल से पूरी हुई। उनके पिता उसी स्कूल में हिंदी के शिक्षक हुआ करते थे। पढ़ाई के साथ साथ हिमानी ने अपने स्कूल द्वारा आयोजित नाटकों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहती। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई के साथ साथ अपने अभिनय के शौक को पूरा करने के लिए थिएटर भी ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, हिमानी जी का अभिनय के प्रति जुनून और समर्पण का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लेने के बाद जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका जाने का मौका मिला, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से हासिल किया था, उसकी जगह उन्होंने अभिनय सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD जाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। वर्ष 1984 में NSD से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने दिल्ली में ही NSD के साथियों और सीनियर्स के साथ नाटकों में काम करना शुरू किया। हिमानी बताती हैं कि NSD के दौरान उन लोगों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो और उनकी साथी बिना किसी को बताए अक्सर कृषि दर्शन जैसे दूरदर्शन के कार्यक्रमों में छोटे मोटे स्क्रिप्ट जैसे काम करके अपना जेब खर्च निकाल लिया करती थी। बाद में NSD से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दूरदर्शन पर कुछ और छोटे मोटे रोल्स किए। इसी दौरान उन्हें वर्ष 1984 में फारूक शेख और अनीता राज अभिनीत फिल्म अबायगा मजा में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने दूरदर्शन के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना जारी रखा। उन्हें उस वक्त टीवी सीरियल हम लोग के लिए छुटकी का रोल ऑफर हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें ड्रामा छोड़ना पड़ता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। वर्ष 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम यात्रा में भी उन्हें नोटिस किया गया। इसके बाद उन्हें लेख टंडन जी के धारावाहिक फिर वही तलाश में एक यादगार चरित्र निभाने का मौका मिला। साथ ही वर्ष 1989 में टीवी के लिए बनी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में भी काम करने का मौका मिला। अरुंधति रॉय द्वारा लिखित इस फिल्म में रघुवीर यादव, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, रोशन सेठ, दिव्या ठाकुर और ऋतुराज सिंह जैसे कई और दमदार कलाकारों के अलावा खुद अरुंधति रॉय भी अभिनय करती नजर आई थी। इसके बाद आया वह धारावाहिक जिसने उन्हें पूरे देश में एक ऐसा नाम दिया जो उनकी पहचान बन गया। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक हमराही में उनके द्वारा निभाई गई देवकी भौजाई की भूमिका को काफी सराहना मिली। निर्देशक कुंवर सिन्हा के इसी धारावाहिक के जरिए वो घर घर में लोकप्रिय हो गई थी। सूरज का सातवां घोड़ा और मम्मो जैसी अलग फिल्मों के साथ साथ हिमानी को ZTV के धारावाहिक हसरते में भी बेहतरीन काम करने के लिए सराहा गया। टीवी पर सफल होने के बाद अब उनका फिल्मों में भी मशहूर होने का वक्त आ गया था और उन्हें मिलने वाली थी वो फिल्म जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट का काम करने वाली थी, और वो फिल्म थी वर्ष 1994 में प्रदर्शित राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी बड़ा रोचक है, जिसे हिमानी ने खुद बताया है। सूरज बड़जात्या ने मेरा एक नाटक देखा था, उन्होंने एक बार मुझे अपने ऑफिस बुलाया और बताया कि उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन की स्क्रिप्ट तो पूरी लिख दी थी, लेकिन उस नाटक में आपका हज्जो का रोल देखकर इतना प्रभावित हुआ कि इस स्क्रिप्ट में एक वैसा ही किरदार लिखकर बढ़ा दिया है जिसे आपको ही करना है। इस फिल्म के बाद हिमानी शिवपुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अंजाम, कोयला, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, आ अब लौट चलें और परदेश जैसी उस दौर की ढेरों बड़ी फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेत्री काम किया। उस दौर से लेकर पिछले कुछ वर्षों तक वो यशराज, धर्मा और राजश्री प्रोडक्शंस जैसे बड़े बड़े बैनर्स की लगभग हर फिल्मों का एक खास हिस्सा रही। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी पर भी काम करना जारी रखा। कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अजब गजब
घर जमाई सहित ढेरों धारावाहिकों में उन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, उनकी हर फिल्मों और टीवी शोज का नाम लेना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही माध्यमों पर अनगिनत सफल और उल्लेखनीय काम किए हैं। इसलिए आइए उनके द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्यों की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसके बारे में शायद कम लोगों को ही पता होगा। थिएटर से अभिनय की शुरुआत करने वाली हिमानी का फिल्मों और टीवी सीरियल्स के साथ साथ थिएटर से भी एक जुड़ाव रहा। उन्होंने मित्र मरजानी और द्रौपदी जैसे नाटकों में अभिनय कर थिएटर में अपनी सक्रियता को बनाए रखा। कम लोगों को ही पता होगा कि गायन, नृत्य और लेखन का शौक रखने वाली हिमानी ने अभिनय के साथ साथ निर्देशन का काम भी किया है। उन्होंने सुनहरे सपने नामक एक नाटक का निर्देशन किया, जिसकी कहानी इनके पिता ने लिखी हुई थी। एक तरफ मसाला फिल्में और टीवी और दूसरी तरफ नाटकों में सक्रिय होने के साथ साथ हिमानी ने वर्ष 2012 में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द फेसबुक जनरेशन में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जो कि उसी वर्ष द ग्लोबल एजुकेशन एंड लीडरशिप फाउंडेशन द्वारा आयोजित फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष 10 फिल्मों में शामिल हुई थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं उस विषय पर जिसका जिक्र हमने वीडियो के टाइटल में किया है, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से जुड़ा वो किस्सा, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो और जिसे खुद हिमानी शिवपुरी ने एक साक्षात्कार में बताया है। फिल्म हम आपके हैं कौन देखने के बाद आदित्य ने मुझे इस रोल का ऑफर दिया। मैं देहरादून से हूँ, वह छोटे शहर की थिएटर वाली लड़की अब भी मुझमें कहीं जिंदा है। मैं हसरते सीरियल की शूटिंग कर रही थी। एक दिन आदित्य चोपड़ा का फोन आया कि मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें आपको कास्ट करना चाहता हूँ। हिमानी शिवपुरी आगे कहती हैं, मैं इतनी भोली थी कि मैंने उन्हें कहा कि मैं शो की शूटिंग नूर बंगले में कर रही हूँ, आप वहाँ आ जाइए। सोचिए, लोग यशराज फिल्म्स में जाते हैं और मैंने उन्हें वहाँ बुला लिया। फिर भी आदित्य नूर बंगले में आए। शॉट के बीच में वह मुझे कहानी सुना रहे थे। कहानी के इंटरवल तक आते आते मैंने कहा कि यह फिल्म मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैम, आपका किरदार तो इंटरवल के बाद आएगा। मैंने फिर भी आमी भर दी, क्योंकि मुझे फिल्म की कहानी भी भा गई थी। मेरे किरदार कम्मू और अनुपम जी के किरदार के बीच रोमांटिक एंगल था। फिल्म में राज और सिमरन की कहानी तो अंत में जाकर एक मुकाम तक पहुंचती है, लेकिन मेरी और अनुपम की कहानी का अंत नहीं दिखाया गया। दरअसल हमारी कहानी को भी एक मुकाम तक पहुंचना था, लेकिन मैं क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान सेट पर नहीं थी। अगर ध्यान दे तो क्लाइमेक्स में मैं कहीं नहीं हूँ। इस बारे में बताते हुए हिमानी शिवपुरी आगे बताती हैं, क्लाइमेक्स की शूटिंग के 3-4 दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। फिल्म की टीम ने इस बात को समझा और मेरे बिना शूटिंग पूरी की। दोस्तों, हिमानी जी की शादी अभिनेता ज्ञान शिवपुरी जी से हुई थी, जो कि रंगमंच क्षेत्र में हिमानी के सीनियर हुआ करते थे। दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद उन्होंने विवाह कर लिया। ज्ञान शिवपुरी ने कुछ फिल्मों के साथ साथ धारावाहिकों में भी अभिनय किया। राजश्री प्रोडक्शंस की बाबुल में पिता की मुख्य भूमिका में वो नजर आए थे। ज्ञान शिवपुरी वर्ष 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक फिर वही तलाश में एक दिव्यांग की भूमिका में नजर आए थे। लंबी बीमारी के बाद वर्ष 1995 में ज्ञान शिवपुरी जी का देहांत हो गया था। हिमानी शिवपुरी के एक बेटे भी हैं, जिनका नाम कात्यायन शिवपुरी है। दोस्तों, हिमानी शिवपुरी जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन किया है। वो नियमित रूप से देहरादून में स्थानीय कलाकारों के लिए कार्यशाला आयोजित करती हैं और उन्हें नाटकों में अवसर भी प्रदान करती हैं। नारा टीवी हिमानी शिवपुरी जी के इस जज्बे और संघर्ष को सलाम करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।